हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विथ रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमक पारा बनाने की रेसिपी। तो फिर आइए बिना किसी देरी के फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं ये नमक पारा। तो नमक पारा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा ली है। अब इसमें हम 2 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। दो छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। और इन सब चीजों को हम मिला देंगे अच्छे से। अब हम ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1/3 कप ऑयल लिया है, लेकिन ऑयल हम एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे, मिलाते हुए डालेंगे। जितना हमें ज़रूरत लगेगी हम उसी हिसाब से ऑयल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, और इस तरीके से हाथों से मिलाते जाएंगे। हम एक लड्डू सा बना करके देखेंगे। अगर ये लड्डू बनने लगे तो समझ लीजिए कि जो ऑयल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम हाथों से, दोनों हाथों से रगड़ के ऑयल को मैदा में अच्छे से मिला देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है, नॉर्मल वाटर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो आटा है मटरी के लिए वो हम एकदम सख्त आटा लगाना है। तो बस आटा मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको हम ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, जिससे कि ये जो सेट हो जाएगा। तो हमें 10 या 15 मिनट हो गए हैं, तो हम एक बार मसल के इसको और चिकना कर लेंगे। अब हम इसमें एक लोई काटेंगे और इसको मसल के एक लोई बना लेंगे। अब इसको हम बेल लेंगे बेलन से। इसमें हमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने इसमें मोइन लगाया है, तो इसलिए हम इसको आराम से बेल सकते हैं। इसको हमें पतला ही बेलना है। आप चाहें तो इसको मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पतला बेल रही हूँ, जो जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बस मोटा रखा है। और अब हम मटरी कट कर लेंगे। इस तरीके से बस चाकू से करते हुए कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाती हैं। अब हम घुमा देंगे इसको और इधर से भी, साइड से भी कट कर लेंगे। आपको जैसी चाहिए हो, छोटी या बड़ी, आप उस तरीके से कट कर सकते हैं। बस मैंने अपनी मटरी जो है वो कट कर ली है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे और हम ऑयल रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। मैंने मटरी जो है वो प्लेट में निकाल दी है और ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो मैं चेक कर लेती हूँ। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, बस हल्का सा ही गर्म होगा तभी हम डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमने नमक पारे डाले थे वो ऊपर आ गए हैं ऑयल के। तो अब हम इसको पलट देंगे। तब तक हम दूसरी भी बेल लेंगे, एक तरफ ये सिकती रहेंगी। आप इस तरीके से भी मटरी कट कर सकते हैं। इनको भी पलटते रहेंगे। जो हमारे नमक पारे थे वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जो दोबारा से कट किए थे नमक पारे उनको डाल देंगे ऑयल में और इनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। नमक पारे हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी बना है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।